कैपिटल बस्टिंग क्या होती है एंड कैपिटल बस्टिंग इज वॉट कैपिटल बस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसिज इन ऑर्डर टू ऑबटेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हमारे पास होते हैं हम उसे इवेलुएट करते हैं और जो अपना फंडिंग है उनको हम ऐसी जगह एक्सपेंस करते हैं एक्सपेंडिचर्स करते हैं ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हमें उन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उतनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे प्रोजेक्ट को चूज कर पाए आप पूरी कैपिटल बुस्टिंग को पढ़ते हुए आप ये मानिएगा कि आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एक्ट कर रहे हो आपको फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपको एक्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है पर इन्वेस्ट कैपिटल बस्टिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें इसका हमें डिसीजन uh, मिल पाता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन

च इन्वेस्टमेंट और एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंडस आर टू बी मेड बाई एंटरप्राइजेज ये कैपिटल बस्टिंग या हम कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटोमाइंड करते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म फंडस हैं उनको कहाँ एलोकेट करें किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे कि इंटरप्राइज को फ़ायदा हो एक और डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंच कैपिटल बस्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रोफिबल प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कैपिटल बस्टिंग क्या है ये एक प्लानिंग है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उनको हम इंटरप्राइज के या फर्म के ऐसे ऐसे uh, इन्वेस्टमेंट में लगाएं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके अब वो प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही है ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि जिससे हमें क्या हो प्रॉफिटबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके तो ये पूरा प्लान करना ही कैपिटल बस्टिंग है अकॉर्डिंग टू लेंच नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिल्टन एच स्पेंसर कैपिटल budgeting involves द प्लानिंग ऑफ expenditure फॉर assets द रिटर्न फ्रॉम which विल बी realized इन फ्यूचर टाइम पीरियड तो कैपिटल बस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है प्लानिंग करना इन्वॉल्व होता है कैसी प्लानिंग कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक्सपेंडिचर करें जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले तो ओवरऑल बताऊँ तो कैपिटल क्या समझ में आ गया कि कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ये सेलेक्ट करना होता है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में या कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें अपने पैसे को जिससे कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले हमें इन द सेंस हमारी फर्म को हमारे एंटरप्राइज को हमारे कंसर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कर रिटर्न मिले तो ये एक डिसीजन का टूल है मैनेजमेंट के लिए जिससे वो डिसाइड कर पाती है कि वो कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो अब क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बेस्टिंग क्योंकि हमने मीनिंग डेफिनेशन देख ली अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कैपिटल बेस्टिंग करनी हो तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाते हैं तो सबसे पहला आता है प्रोसेस कौन सा प्रोजेक्ट जनरेशन हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मींस आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने हैं कौन कौन से प्रपोजल्स हैं आपके पास आप उन सारे प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करते हो राइट देन आप क्या करोगे प्रोजेक्ट इवेलुएशन अब आप क्या करोगे जो भी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आपके सामने दिख रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आप उसे इवेलुएट करोगे इवेलुएट करने का क्या मतलब हुआ बेनिफिट और कॉस्ट को एनालिसिस करना बेनिफिट एंड कॉस्ट का एनालिसिस आप ये समझिएगा ये जो प्रोजेक्ट इवेलुएशन की जो सेकेंड uh, प्रोसीजर है आपका ये इसी के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं क्योंकि इवेलुएशन ही करना है और यहीं से ही आपको बेस्ट मिलने वाला है तो इवेलुएशन इंपॉर्टेंट है तो जितने भी कैपिटल बस्टिंग के न्यूमेरिकल हैं वो इवेलुएट ही करते हैं इवेलुएट आप क्या करते हो आप बेनिफिट और कॉस्ट को इवेलुएट करते हो बेनिफिट और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ये कहोगे कि, कि कितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो

जितने भी प्रपोजल्स हमारे सामने हैं उनको इवेलुएट करते हैं ओके okay, तो हमने जनरेट कर लिया प्रोजेक्ट मतलब सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्क्रीनिंग कर ली आइडेंटिफाई किया देन हमने क्या किया इवेलुएशन कर लिया बेनिफिट एंड कॉस्ट के बेसिस पे देन हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट सेलेक्शन जैसे ही हमको पता चल गया कि हमें किस पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे राइट right? अपने प्रायोरिटीज को इस्टेब्लिश करते हुए हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे देन क्या आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया कि अब आप उस प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हो मतलब आपने जो प्रोजेक्ट चूज किया जो इन्वेस्टमेंट चूज किया अब आप उस पर फंडिंग लगाने वाले हो ठीक एग्जीक्यूट करोगे एंड द लास्ट इज वॉट प्रोजेक्ट फॉलोअप जब आपने सब कुछ कर लिया तो अब आप फॉलोअप ले गए कि एक्चुअली वह वै वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये ही पूरा प्रोसीजर है कैपिटल बस्टिंग का सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट को इवेलुएट सबसे प्रोजेक्ट सबसे सब पहले सारे प्रोजेक्ट्स को आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि कितने अल्टरनेटिव हैं आपके पास देन आपको इवेलुएट करना है कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पर सबको इवेलुएट कर लो अब जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करने के बाद पैसे इसमें लगा दो एग्जीक्यूट कर दो एंड देन आप ये देखो कि सब वे एज इट इज हो रहा है कि नहीं आप फॉलो अप लो उसका तो ये तो उसका प्रोसीजर हो गया ओके okay. नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो है क्या कैपिटल बस्टिंग मैथड या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैथड अब ये वो टूल है ये वो टेक्निक है जिसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं मीन्स जो मैंने आपसे बोला कि इवेलुएशन करना प्रोजेक्ट को वो यही टेक्निक के थ्रू हम इवेलुएट करते हैं सारे प्रोजेक्ट को बेनिफिट और कॉस्ट का इवेलुएशन हम इन्हीं टेक्निक के बेसिस पे करते हैं तो ये एक्जैक्टली exactly दो तरीके की होती हैं तो सबसे पहला क्या हो गया ट्रेडिशनल टेक्निक या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक राइट ये वो टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है आपको लिंक में मिल जाएगा ठीक तो इन इन सारे टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है तो पहले टेक्निक क्या होगी पे बैक पीरियड मैथड पी मेथड पे बैक पीरियड मतलब कि ये आपको वो टाइम पीरियड बताने वाली है जितने टाइम पीरियड में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा मीन्स मान लीजिए मैंने दो लाख रुपया लगाए प्रोजेक्ट में तो वो दो लाख कितने साल में मुझे रिटर्न मिल जाएंगे ये बात हम इस पे बैक पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं ये और भी कई तरीके से होती है इसमें और भी कई तरीके का कैलकुलेशन होता है बेल आउट पे बैक होता है डिस्काउंटेड पे बैक होता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है तो इन तीन पे बैक में ये तीन मेथड और भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड इज वॉट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैथड दैट इज ए आर आर मैथड ए आर आर मैथड क्या कहता है कि किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है राइट right? आप जो पैसा लगाने वाले हो उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न का क्या परसेंटेज है ठीक तो ए आर आर मैथड आपको परसेंटेज में रिजल्ट देता है जबकि पे बैक क्या देता है टाइम पीरियड में आपको देता है ठीक तो ये ए आर आर मैथड हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किस रेट से आपको रिटर्न मिलता है ऑब्वियसली हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं ना पूछते हैं आठ परसेंट का रिटर्न मिल रहा है दस परसेंट का रिटर्न मिल रहा है बीस परसेंट का रिटर्न मिल रहा है रिटर्न कि, किस किस रेट से मिल रहा है तो ए आर आर वो रेट बताता है ठीक सेकेंड मैथड क्या होता है कैलकुलेशन का दैट इज आपका आ जाता है डिस्काउंटेड या मॉडर्न टेक्निक मेथड मॉडर्न टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है राइट right? तो अब टाइम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसीडर करते हुए हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करें कि कहाँ प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं तो एक तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड दैट इज एन मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड मतलब ये हो जाता है कि जो पैसा आज आप लगा रहे हो ठीक प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज आप एक साथ लगा रहे हो लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक साथ नहीं मिलेगा वो एक साल में मिलेगा फिर सेकेंड ईयर कुछ मिलेगा फिर थर्ड ईयर मतलब जितना भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी उतने हर साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा तो एनपी में हम क्या करते हैं जो कई सालों बाद रिटर्न हमें मिलने वाला है हर साल हमें मिलेगा उसकी वैल्यू आज कितनी है ये हम कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनफ्लो मतलब जो आने वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस कैश की जो इनफ्लो है जो आने वाली है और हम उसे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश आउटफ्लो से राइट right? अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा आप लगा रहे हो जो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो आज तो आज आप इन्वेस्ट करते हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपके सामने ही है तो मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश इनफ्लो से हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश आउटफ्लो को और जो रिजल्ट आता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वो कहलाता है एनपीबी तो अगर इनफ्लो ज़्यादा आ रहा मतलब पॉजिटिव एन आई तो हम उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट uh, को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि भाई हाँ इनफ्लो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से तो हम दोनों का कंपैरिजन प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं आज क्या इनफ्लो का रेट है और आज का हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या नहीं तो एन इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो नेगेटिव एनपी तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव एनपी तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे नेक्स्ट मैथड इज़ वॉट इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न मैथड तो आई आर आर क्या होता है कि आई आर आर एक्चुअली वो रेट होता है जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज़ जस्ट इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश इनफ्लो मीन्स इस रेट पे आपका आउटफ्लो और इनफ्लो का जो अमाउंट होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो उस अगर उस रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है मतलब मेरा इनफ्लो आउटफ्लो जब इक्वल हो जा रहा है और या उससे नीचे जा रहा तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे तो आई आर आर हमें एक्जैक्टली exactly वो रेट बताता है इसे डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं हर्डल रेट भी कहते हैं कट ऑफ रेट भी कहते हैं तो आई आर आर वो रेट होता है नेक्स्ट इज वॉट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड तो जो पी आई मैथड होता है एक्चुअली वो इस मैथड के थ्रू हम क्या करते हैं रिटर्न को एक रुपये में मेज़र करते हैं मीन्स जो भी हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू एक रुपये में क्या है वो मैथड उसको मेज़र करने का तरीका ही पी आई कहलाता है अब होता क्या है कि समटाइम्स होता है कि दो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हो रहे हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है और दोनों ही प्रोजेक्ट्स की जो एन आ रही है वो सेम आ रही है तो अब जब दोनों की दोनों ही प्रोजेक्ट्स की एन सेम है तो हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो हम उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं हम पी चूज़ करते हैं कि इस रिटर्न को हम एक रुपये में मेजर करें अगर एक रुपए से जिसका ज़्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे तो पी के थ्रू रैंकिंग कर पाना बहुत ही ईजी होता है पी कैपिटल रैशनिंग के केस में भी बहुत हेल्पफुल होता है जब कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन होती है इन दैट केस पी के थ्रू ही हम रैंकिंग कर पाते हैं और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं तो ये वो सारे मेथड्स हैं ये वो सारे टूल्स या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है तो कैपिटल बस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग का टूल है 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 जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर पाता है कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आगे वाले वीडियोज में हम इन सारे मैथड के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करेंगे मीन्स एक्चुअली हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स वैसे हो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो तो हम कैसे इवेलवेट करेंगे हर एक मैथड के थ्रू हम वो देखेंगे So, wish you all the best. Thank you.